कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलेमगढ़ बाजार के बीच बुधवार की रात देवरिया एसओजी टीम द्वारा दो अभियुक्त उठाने के मामले ने तूल पकड़ दिया है, जिससे आक्रोशित युवकों ने सलेमगढ़ उत्तरी चौराहे पर जाम लगा दिया और पुलिस के साथ हिंसक झड़प के बाद पुलिस की एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग भी की, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। झड़प में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दिनांक 30/10/2019 को थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर की चौकी बहादुरपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा सलीमगढ़ में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा है। सूचना पर चौकी बहादुरपुर से एक हेड कांस्टेबल, दो कांस्टेबल अपनी दो प्राइवेट बाइक से वहां पहुंचे थे। दोनों पक्षों से वार्ता के उपरांत दोनों पक्षों द्वारा आपस में सुलह कर लिया गया था। चौकी का फोर्स वहां मौजूद था। इसी बीच जनपद देवरिया की स्वाट टीम दो लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए वहां आई थी। जैसे ही जनपद देवरिया की स्वाट टीम लुटेरों को पकड़कर वहां से निकली, कुछ शरारती तत्व पुलिस के खिलाफ नारा लगाते हुए सड़क पर इकट्ठा भीड़ को पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए चौकी के फोर्स के ऊपर हमलावर हुए, जिससे एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को चोट आई। वहां पर मौजूद उनकी दोनों बाइक को शरारती तत्वों द्वारा जला दिया गया। घायल चौकी के आरक्षी द्वारा सूचना पाने के उपरांत पुलिस चौकी से और थाने से अतिरिक्त फोर्स वहां पहुंचा। तब तक शरारती तत्व वहां से भाग चुके थे। इस संबंध में दोषी लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक वीडियो में पूरी घटना का विवरण प्राप्त होने के आधार पर वीडियो में जो पहचान हुई उसमें से अब तक कुल 11 शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। शेष की पहचान शीघ्र कर ली जाएगी और उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। आप बोला कि तुम लोग ही घर में घुस मारा है पुलिस को, हम लोग कुछ नहीं जानते, आकर मारने लगा लोग हमको, मैं मारा, मेरा भाई को भी मारा, मेरा चाचा लोग भी जेल में ले गया लोग पुलिस लोग, फिर हम तो भी ले जा रहा था लोग, हमारे सर हम कुछ जानते नहीं, हम बागान से हम आए हैं छठ पूजा बनाने के लिए, सर हम कुछ नहीं जानते, पुलिस लोग बहुत मारा है, बोले कि अब हमको छोड़ दीजिए सर, हम कुछ नहीं जानते। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम सुजीत पटेल है। ये हमको पता नहीं, मैं बंगाल में रहती हूँ, कल ही आई हूँ, मेरे ड्राइवर हैं और पता नहीं बाहर में क्या हुआ नहीं हुआ, ये हम लोग नहीं जानते। और कल दो बच्चे गोरखपुर से आए और हम दो लोग यहाँ से आसनसोल से आए, बाहर में क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन कुछ लड़के लोग उधर हमला किए थे, क्या क्या हुआ तो पुलिस डायरेक्ट मेरे घर के दरवाजे में लात मारी और घर में घुस, हमने कोशिश की दरवाज़ा बंद करने को कि दंगा फसाद से बचे हम, तो वो लोग ऐसा लात मारे कि मैं बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ गिर गई और काफ़ी हमको चोट लगी। रात में भी कोई नहीं था कि इंजेक्शन दवा हो, और हमारा बच्चा था उसको भी मारे लोग घुस के, उसके बाद बच्चे लोग को पकड़ के लेके चले। अच्छा कौन कौन था मारने वाले टीम में था, कौन कौन पुलिस वाले? ये तो मैं पहचानती नहीं, यहाँ रहती नहीं हूँ, टीम में कौन था नहीं थे नहीं, लेकिन वर्दी पहने थे पुलिस में। जेंट्स की लेडीज? जेंट्स। लेडीज नहीं थी? नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुप्रसाद। देवरिया से एसओजी टीम आई थी, माननीय इंस्पेक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि वहाँ चले जाइए, दो सलेमगढ़ के अभियुक्त थे जो इनको पकड़ने के लिए देवरिया से एसओजी टीम भेजी गई। वहाँ पर हम लोग एसआई मिलन कुमार और मैं फोर्स के मौके पहुँचा गया तो देवरिया के टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। उसके बाद जनता उग्र हो गई और उसके बाद ईंट पत्थर चलाने लगी और एक घर में हम
हमको मैंने उसको बैठा दिया सर, और उसके बाद कान आके चोटें लगी। बंधक भी बनाया गया था कुछ लोग, कितने लोग थे? हम मनोज रहे। ठीक, वीरेंद्र सिंह के लड़का को लोग पकड़ के ले गए। इन लोग अपने में अलग करने लगे तो गए बचाने के लिए, प्रधान है तो जाना ही पड़ेगा, चल गए तो मेरे बच्चे भी गए थे उसमें, तो रोड पर सब लोग इति करके लगले प्रदर्शनी करे थे। हाँ, तब वहाँ से इति हुआ, बस वहीं से जोड़ हो गया मामला पूरा, लगने पत्थर उत्थर पूरा इति करने, पुलिस दरवाजा मार पीट, पुलिस लेकर पुलिस वहाँ दौड़ के गाड़ी लेके गए, तो पीछे से उनको मारने के लिए लोग पब्लिक लोग सब लोग दौड़ पड़े है ना। अब यही सब इति है। तब आ करके हम लोग घर में हैं, बस पुलिस लोग मेरे बच्चों को लेकर के, तीनों बच्चों को, मेरे पति को लेकर के चले गया, बस इतना ही हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे बच्चे एक तो है, तो उसको बहुत मार मार है लोग पूरा, वो सुजीत घर में आया, वो सोया, उसको पीटा लोग। क्या नाम आपका? नाम समता देवी।